का व्लॉग कुछ स्टार्ट हो रहा है कि मैं जा रही हूँ रमज़ान की ग्रॉसरी करने। कल क्योंकि बर्थडे था बेटे का तो मैं नहीं कर सकी थी, और कल इंशाल्लाह सहरी है, परसों रमज़ान है, तो बस हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ रमज़ान की ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। तो चलो साथ आपको एक सीक्रेट दिखाती हूँ सवेरा खान का। वो देखें मस्त हुई हुई है झाड़ू में, ये चेक करें कितनी मस्त होके चुपके से बना रही हूँ, बिल्कुल सफाई कर दे ये क्या लंबी लाइन लगी हुई है। तो वापसी पे हम लोग लाहौर के अंदरून शहर आरिफ चटखरा पर आए। यहाँ का तवा चिकन जैसे कि सबको पता है बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी है, हर चीज़ जहाँ जो जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की सब बहुत मज़े की हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए, तो हमने तवा चिकन और दाल चावल शामी टिक्की के साथ और अंडा टिक्की मंगवाई, जो कि बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म रुमाली रोटी के साथ थी। तो कल क्योंकि पहला रोज़ा है, मतलब आज रात की सहरी है, तो मैंने घर अभी तक डेकोर नहीं किया था, तो उसके लिए मैंने तमाम चीज़ें निकाली, एक कॉर्नर तैयार किया, साथ में कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी, कुछ बैनर्स थे रमज़ान मुबारक के, और कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइट्स वगैरह थी, वो सारी निकाली और उसको सजाना शुरू किया। सोफ़ा मेरा काफ़ी गंदा हो रहा था, ये मैं ग्रॉसरीज जब की थी तो लेकर आई थी, और इससे मैंने वाकई जब स्ट्रेन रिमूव किए सोफ़े के तो वो बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। तो मगरिब की अज़ान हो चुकी है और माशाल्लाह से चाँद भी नज़र आ गया है। तो कल हमारी तरफ पहला रोज़ा है और माशाल्लाह से आप सबको रमज़ान का चाँद बहुत मुबारक हो। तो जैसा कि आज रात सहरी है, हमारे रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे दही की ज़रूरत थी, तो मैंने दही जो है मैं घर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और उसके लिए मैंने दही जो है उसकी सारी चीज़ें दूध वगैरह लेके उसमें दही जमाने के लिए मैंने साइड पे रख दिया, ताकि फ़्रेश दही जो है वो हमें मिल सके। और आपको पता है घर की जो चीज़ होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो एक तरफ घर को डेकोर हो रहा है साथ साथ, और दूसरी तरफ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सहरी में खाना भी खाना है, और राइस वगैरह मेरे घर सहरी में नहीं बनते, ना सब्ज़ी ना दाल, तो सिर्फ चिकन मटन बीफ, चिकन मटन बीफ या फिर कीमा, बस यही चीज़ें बनती रहती हैं, तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। तो जहाँ एक तरफ मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो साथ ही मैंने टेबल को नीट करना शुरू कर दिया, ताकि साथ साथ मैं चीज़ें वगैरह रखती जाऊँ, क्योंकि फिर बर्तन साथ साथ लगा देती हूँ तो फिर एकदम से जो सारा बर्डन होता है इफ्तारी टाइम वो नहीं होता, तो मैं साथ साथ ही हर चीज़ जो है बर्तन वगैरह प्लेट्स वगैरह रखती जाती हूँ। तो बस मेरी मानो जो है वो स्कूल से आ गई थी, और उसके लिए मैंने शामी जो थे बना के रखे हुए थे पहले से ही। तो यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली थी, चावल और चिकन बनाया था मैंने रात के खाने के लिए, और सहरी के लिए मैंने मटन कीमा और आलू मटन कीमा जो होता है वो बनाया था, और साथ साथ मैंने पालक थोड़ी सी काट ली थी, हरा धनिया वगैरह काट के साइड पे रख दिया था। तो क्योंकि सर्दियों के दिन है और दिन भी छोटे हैं, फटाफट टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, तो यहाँ कुछ फ्रूट्स ले आए थे और बस मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फ्रूट चाट के बिना आपको पता है इफ्तार बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, तो बस मैंने जल्दी से फ्रूट चाट बनाने की तैयारी की। फ्रूट चाट मैंने बना रही थी, और आलू चनों के लिए मैंने चने पहले से बॉईल किए हुए थे, बाकी बंद गोभी टमाटर प्याज हरा धनिया हरी मिर्चें काट कर मैंने साइड पर रख के उसे तैयार कर दिया था। यहाँ कुछ खजूरें थी मेरे पास, तो मैंने उनको फ़िल करने के लिए निकाल लिया था, और मैंने उनको फिल किया था कुछ वॉलनट्स के साथ, और चाट के ऊपर खजूरें काट के डालने से बड़ा मज़ा आता है, तो मेरे घर में ज़रूर बड़े शौक से खाया जाता है, और इस तरह बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो बस यहीं पे मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें प्याज सूखा साबुत धनिया
ज़ीरा और इसमें मैंने डाल दिया था नमक, मिर्च, नमक और पिसी हुई मिर्ची अपने हिसाब से और साबुत पिसी मिर्चें अपने हिसाब से आपने डालनी है। और साथ ही मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, फ्राइज नुमा आलू जो होते हैं बनाए होते हैं वो डाल दिए थे क्योंकि बच्चे इससे बहुत शौक से खाते हैं। बेसन ऐड कर दिया था मैंने और इसमें मैंने कुछ डाल दी थी पालक जो कि मेरे पास पहले से कटी हुई मैंने रखी हुई थी इसको। और यहाँ साथ ही मैंने चिकन क्यूब्स में बोनलेस चिकन ले लिया था क्योंकि मुझे आज बनाना था बटरफ्लाई चिकन और उसके लिए मुझे कुछ स्पाइसेस की ज़रूरत थी और बोनलेस चिकन की ज़रूरत थी। तो स्पाइसेस मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलूओं के बारीक स्लाइस काट के रखे हुए थे और कोई मुश्किल काम नहीं है, टूथपिक लेके आलूओं के सेंटर में चिकन पीस रखें और इसको इस तरह से आप सेट कर लें और ऊपर से आप जो है वो तिल होते हैं वो डाल दें, स्प्रिंकल कर दें तो बहुत ही अच्छी लुक आती है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद हम लोग इसको डीप फ्राई कर लेंगे जैसे कि इस तरह मैं आपके सामने कर रही हूँ। जब तक इफ्तारी तैयार हो रही है तो मैंने रमज़ान की खुशी में अपना घर भी सजाया था जैसे कि मैं हर साल सजाती हूँ और मैं कोई भी इवेंट हो घर को ज़रूर सजाती हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी सजावट की थी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।